नमस्कार, स्वागत है एक फिर से नए वीडियो में। और आज मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़। आप सभी ने कहावत सुनी होगी, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो मैं उसी चित्तौड़गढ़ किले में अभी मौजूद हूँ। यानी कि यूँ कहे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहाँ लोग आज भी रहते हैं। और संख्या में बात करें अगर तो लगभग 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार लोग यहाँ निवास करते हैं इस किले के अंदर। और किला जो है कई सारे पोल्स जिनको बोला जाता है, पोल का मतलब होता है मित्रों दरवाजे। तो यहाँ कई सारे पोल हैं, उनसे गुजरते हुए हम इस किले में पहुँचे हैं। सबसे पहले पाडन पोल, फिर उसके बाद में गणेश पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण जो पोल। स्थान आप अभी देख पा रहे हैं इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है, ये कुंभा महल है। यानी कि कुंभा का निजी आवास कभी हुआ करता था। यानी कि जो महाराणा कुंभा है उनका 1433 से लगाकर 1468 के आसपास उनका मेवाड़ पर शासन रहा था। और इस दौरान उन्होंने जितने भी अपने जो क्रियाकलाप चलाए थे, से संबंधित हो, राजनीतिक हो, या फिर ऐसे कई सारे गतिविधियां जो संपादित हुई थी, उन सब का केंद्र बिंदु यही जो है महल हुआ करता था, जिस पर हम ही अभी मौजूद है। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये पूरा कुंभा पैलेस है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते, स्थान मौजूद है। मैं आपको एक विशेषता बता दूं कि ये जो आप स्थान मैदान जो देख रहे हैं, इसमें आप ऊपर का जितना भी भवन है सब तरफ से देखे, सबकी जो सीढ़ियाँ है वो सबसे बड़ी विशेषता है। एक ही इस मैदान में यहाँ तक आती है। कहीं से भी देख ले आप, चाहे सामने से देख ले, चाहे जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी सीढ़ियों पर ही खड़ा हूँ, तो ये सीढ़ियाँ है। चाहे आप किस परिसर का ऊपर का जो है कहीं से भी देख ले आप, सारी सीढ़ियाँ इसी प्रांगण में। और इस चबूतरे पर बैठकर ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जो है वो सभा को संबोधित किया करते थे। मित्रों, यहाँ बैठकर महाराणा कुंभा पूरे शहर पर नज़र रखा करते थे। यही वो स्थान है जहाँ राणा कुंभा का कभी सिंहासन लगा करता था। और अब पूरा परिसर जो है वो लगभग खंडर नुमा आकृति में बदल चुका है। और ये पास में महल, लेकिन ये वो प्रॉपर स्थान है जहाँ पर राणा कुंभा बैठकर पूरे चित्तौड़ शहर पर नज़र बनाए रखते थे। और परिसर जो है उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता इसमें, जैसे आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा एक जलकुंड बना रखा है पानी के लिए, सप्लाई के लिए। जब महाराणा कुंभा यहाँ रहा करते होंगे उस समय, ये इसकी भव्यता को आप देखें, बड़ा ही गजब ये स्थान है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस पूरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो परिसर है उसके अंदर 84 छोटे बड़े कुल मिलाकर के वो जलाशय है, जिस जो पूरे चित्तौड़गढ़ में पानी की सप्लाई किया करते हैं। मित्रों, आज भी वो मौजूद है। राणा कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। और कभी यहाँ पर शायद रानियाँ जो है अपना श्रृंगार किया करते थे। और इस बारे में हम अधिक जानकारी ये के जो जी है, ये जो है ओरिजिनल लाख का कलर है, तो सर, बाकी ये उस समय का सब है, ये मतलब उसी समय का नेचुरल 1,000 साल पुराना है। जी। मित्रों देखिए आप इस प्रकार से, ये लाख ये का है। उसी समय की लाख है जो अब भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मतलब चूड़िया बनती थी या फिर नहीं उन्होंने नहीं थोड़ा नहीं नहीं कलर कर रखा है ये रूम थे, जी। ये इनके श्रृंगार के लिए, जैसे आज ड्रेसिंग टेबल के लिए। जी, तो यानी कि ये भवन तो 3 मंजिला है सर, हाँ, 3 मंजिला टूट गया लेकिन है। छत इसकी गिरा दी गई है। हाँ, गिर गई है, 2 मंजिल गिर जी गई जी इसकी, जी कमजोर होने के कारण जी से। जी मित्रों, हम अभी जैसे कुंभा पैलेस में मौजूद है, और आप जो खंडर सारे देख रहे होंगे, जब मुगलों ने आक्रमण किया कई बार चित्तौड़ पर, असंख्य बार मुगलों ने धावा बोला है, वहां चलेंगे आगे तो ये आप जो खंडर अवशेष जो बचे हैं उसी का ये परिणाम है। और इस आज हम पर। इस किले में अभी कुंभा महल में मौजूद है। और हम यहाँ जो दर्शक लोग जो है देखने, इस किले को विजिट करने आए, उनसे भी हम थोड़ा परिचय करते हैं और उन्हें कैसा लगा। तो भैया आपका नाम मेरा नाम ईश्वर सिंह। जी, तो आप आज यहाँ कैसे यहाँ हम घूमने के हिसाब से आए थे जी और चित्तौड़ किला देखने आए हैं। जी वैसे तो बहुत बार देखा है, पर आज कुछ ज़्यादा खास देखने आए थे, जी जी जैसे कि ये माता रानी का मंदिर है यहाँ पे। जी तो यहाँ जो और इस किले की खास जो विशेषता है वो हमें बताए कि कोई आए तो कम से कम उस चीज़ को अवश्य देखे। एक तो माता रानी का मंदिर मेन पॉइंट वो है, उसके बाद गोलकुंड है, उसके बाद वो कुंभा महल है अपना। जी तो ये अभी आप कुंभा महल में खड़े हो, तो ये पूरा परिसर आप घूम लिए एक बार, हाँ, एक बार पूरा घूम लिए हम। तो कैसा लगा आपको देख ये के? बहुत अच्छा है, बहुत देखने लायक चीज़ है, ये जी, अच्छी, और क्या बहुत कहना सुंदरता चाहोगे है। दर्शकों से? बस अपना ये निवेदन ये है कि जो जिस किसी ने चित्तौड़ किला नहीं देखा है तो आके जरूर देखें।
जी, और अपना जो इतिहास है उसको, अतीत को महसूस करें, हम कैसे थे, आज क्या है। पहले तो अपनी स्थिति बहुत खराब थी और आज अपनी स्थिति ऐसी है वो के, और जी जो जरूर आके देखे चित्रकिला की, आज के लिए मतलब हिंदू के लिए बहुत जरूरी है देखना, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। चलो भैया, धन्यवाद।